और 15 करोड़ से ऊपर का कोई भी टेंडर है वो मुख्यमंत्री देगा। 80 ठेकेदार बन गया अब तो। फेलियर बताता हूँ सरकार का, बेरोजगारी के एक नई चीज और बताता हूँ मुख्यमंत्री की, जो मेरे संज्ञान में आई, आपके पास शायद नहीं है जानकारी। कोई भी टेंडर पहले जो दिया जाता था, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का टेंडर होता था, उसका इंजीनियरिंग चीफ जो है वो ही उस टेंडर को खोलता था और वो ही उस टेंडर में त्रुटियां निकालता था। सरकार की तरफ से आता था कि भाई ये प्रोजेक्ट है इतने करोड़ में बनना है, उसका टेंडर वो निकालता था, वही फाइनल अथॉरिटी होती थी उस टेंडर को फाइनल करने की। अब इन्होंने क्या किया है, 1 से 5 करोड़ के टेंडर तो करेगा चीफ इंजीनियर, 5 से 15 करोड़ के करेगा मिनिस्टर, और 15 करोड़ से ऊपर का कोई भी टेंडर है वो मुख्यमंत्री देगा। अब तो मुख्यमंत्री टेंडर भी देने लग गया है, खुद सीएम, ये उसकी सर्कुलेशन आया हुआ है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, अभी ताज़ा सर्कुलेशन आया आज से 10 दिन पहले ही, किसी को किसी ने बताया नहीं बताया, मुझे कल जानकारी मिली इसकी। आपके द्वारा नहीं जानकारी है? आपके द्वारा नहीं जानकारी? मैं ही देता हूँ जानकारी, विपक्ष सही नहीं कोई है तो बता दो, होता फिर आप तक जानकारी आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी। सीएम के ठेकेदार टेंडर वाली जानकारी आपने? सीएम ठेकेदार बन गया अब तो, ठेकेदारों को ठेके देने लग गया चीफ मिनिस्टर। अबे जी वो कहते हैं कि हम बार्गेनिंग करके सरकार को प्रॉफिट देते हैं, वह ये बात आपकी, ये जो कह रहा है मैं इसकी बात को समझता हूँ, कहता है भी चीफ मिनिस्टर ने, देखो ये भी एक बड़ा फेलियर बताता हूँ सरकार का। अब मुख्यमंत्री क्या करता है, जब टेंडर अलॉट करता है तो ठेकेदार को कहता है तू 5 करोड़ छोड़ दे, ठेकेदार ने कह दिया छोड़ दिए जी, फिर ये अखबार में खबर लगाते हैं कि ठेकेदार से 5 करोड़ रुपये छुड़वा दिए, चीफ मिनिस्टर ने कितना बड़ा फायदा कर दिया। मैं इस चीफ मिनिस्टर से ये बात पूछूंगा और आप भी पूछो कि जो पहले 3 साल टेंडर हुए, जो 100 करोड़ का टेंडर था जिसको 150 करोड़ का कर दिया, निकला 100 करोड़ का, और उसके बाद उसको 150 करोड़ के अंदर अलॉट किया आपने, 50% उसका बढ़ा दिया, वो जो बढ़ाया 50% है उसकी जांच कराएगा मुख्यमंत्री, वो बताए ना, जो चीज़ 10 रुपये में बननी थी जिसके 50 रुपये लगे उसका क्या करेगा मुख्यमंत्री। तेने मुख्यमंत्री वाली ये तो मेरे को बता दी कि मुख्यमंत्री कहता है बोले मैंने इतने करोड़ बचा दिए, जो खुआ दिए उसका क्या करेगा। स्टेडियम बनाया था अम्बाड़ा के अंदर, 50 करोड़ का घोटाला स्वयं मंत्री ने माना है, अनिल विज मानता था, कराई जांच तो पूछो मुख्यमंत्री थे, ये तो लुटेरे हैं लूट के खा गए, ये जो 5 करोड़ भी छुड़वाते हैं उसमें भी पहले तय होता है इनका कि इसमें तेरे को 15 करोड़ बचाएंगे, 5 हमें दे देना, 5 छोड़ देना, 5 तू खा लेना, 5 हमें दे देना। ये भी एक मुख्यमंत्री ने अपना एक लूट का नया साधन बनाया, मेरा कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री को किसी ने बता दिया भी ये जो टेंडर टुंडर होते हैं इसमें भी बहुत सारा मंत्रियों के हाथ लग जाता है, माल है इसमें, इसलिए मुख्यमंत्री ने माल खाने के चक्कर में ये सारा काम किया बेचारे ने। अब ये भूख मुख्यमंत्री को होगी मेरे भाई, उसमें कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं दो सर, किसमें उस जो टेंडरिंग पे कोई शामिल नहीं होता, ये सब बकवास है, झूठ है, सिर्फ चीफ मिनिस्टर करता है। सर्कुलर पढ़ के देख ले, पहले जानकारी रखो किसी बात की, फिर किसी बात के ऊपर आगे अपनी बात करना शुरू किया करो। जो चीज़ तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और तुम उसके ऊपर सरकार ने कोई दे रखा तेरे को, कोई एक आधा लगा दिया कि तेरा